नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। भारत ने श्रीलंका को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 3 मैचों के टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 38 रनों से हरा दिया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 164 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम जीत के लिए 165 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18.3 ओवर में 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि मैच में कई ऐसे मौके आए जब श्रीलंका ने कुछ अच्छे मौके बनाए। अब सारी निगाहें सीरीज के दूसरे मैच पर लग गई हैं जो 27 जुलाई को खेला जाएगा। जहां टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं श्रीलंका सीरीज में बने रहने के लिए उतरेगी। भारतीय टीम इस दौरे पर अपने युवा खिलाड़ियों के साथ आई है, जिसमें से अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल की देन है। और ऐसे में अब जब टी20 विश्व कप इसी साल होना है, तो अब भारत श्रीलंका टी20 सीरीज पर सबकी नजरें इन खिलाड़ियों पर हैं। जिस तरीके से वनडे सीरीज में भारत ने 7 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया था, उम्मीद के मुताबिक पहले टी20 में भी टीम इंडिया ने 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया। पृथ्वी शॉ और वरुण चक्रवर्ती ने डेब्यू किया। अब सीरीज के दूसरे मैच में भी टीम इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले टी20 में डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ बुरी तरीके से फेल रहे थे। अब तक 3 ओवनडे और पहला टी20 खेल चुके पृथ्वी शॉ को दूसरे मैच में आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह देवदत्त पड्डीकल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देवदत्त पड्डीकल और शिखर धवन दूसरे मैच में ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव, नंबर 5 पर ईशान किशन, इसके बाद हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। कृणाल पांड्या की जगह गेंदबाजी में चेतन सकारिया को मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती के अलावा भुवनेश्वर कुमार और चाहर भी नजर आएंगे। टी20 सीरीज के सारे मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे। टी20 सीरीज का दूसरा मैच 27 जुलाई, वहीं तीसरा मैच 29 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मुकाबले रात के 8 बजे से शुरू होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।